हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको पांच मिस्टेक्स बताने वाला हूँ। पांच डिफरेंट मिस्टेक है जो कि पांचों डिफरेंट कंट्रोल से रिलेटेड है। तो ये पांच मिस्टेक ऐसी नहीं है जो न्यू ड्राइवर्स हमेशा करते हैं या इस तरह से, लेकिन पांच डिफरेंट कंट्रोल्स की मिस्टेक्स है। जैसे कि मैं आप बताऊँ आपको, मैं क्लच के रिलेटेड एक मिस्टेक बताऊंगा, ब्रेक से रिलेटेड सेकेंड मिस्टेक, एक्सीलेटर से रिलेटेड थर्ड मिस्टेक, स्टेयरिंग से रिलेटेड फोर्थ मिस्टेक्स और गियर शिफ्टिंग के रिलेटेड फिफ्थ मिस्टेक। मतलब पांच मिस्टेक्स, पांच डिफरेंट कंट्रोल से रिलेटेड मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो न्यू ड्राइवर से होती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कम्प्लीटली मिस्टेक्स से रिलेटेड है। स्टेयरिंग्स कंट्रोल और क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर गियर रिलेटेड सारे मिस्टेक्स, वन वन ईच सारे मिस्टेक्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरी देखें, कम्प्लीटली आपको आइडिया लग जाएगा ये मिस्टेक अगर आपसे होती है तो इसको रेक्टिफाई करें, सॉल्यूशन क्या होगा उसको भी मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। पहले मिस्टेक बताऊंगा, उसके साथ साथ उसी का सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर ऐसे कंप्लीट वीडियो एक आपके लिए रेडी करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीटली मिस्टेक से रिलेटेड है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहली मिस्टेक जो है वो है क्लच से रिलेटेड। तो क्लच में फ्रेंड्स न्यू ड्राइवर से जो मिस्टेक होती है, तो फ्रेंड्स क्लच से रिलेटेड जो न्यू ड्राइवर से मिस्टेक होती है वो ये होती है कि क्लच जब प्रेस करते हैं और गियर शिफ्ट करते हैं तो जैसे ही क्लच को रिलीज करते हैं किसी भी गियर पे तो वो झटके से रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से कार बंद हो जाती है। क्लच की जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हर ड्राइवर, न्यू लर्नर, न्यू ड्राइवर जो भी ड्राइविंग सीख रहा होता है, एक महीने के अंदर ड्राइविंग कर रहा होता है उससे भी ये मिस्टेक होती है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा हो सकता है 6-6 महीने तक ऐसा हो जाता है कि कभी ना कभी ऐसा सिग्नल में ट्रैफिक में कंडीशन ऐसी हो जाती है तो क्लच को जैसे ही रिलीज करते हैं बाइटिंग पॉइंट तक क्लच आता है और कार बंद हो जाती है। तो ये बहुत बार होता है कि 6 महीना ओल्ड ड्राइवर जो 6 महीने से ड्राइविंग कर रहा है और उसके बाद भी ये मिस्टेक होती है उनसे। तो आपने ये क्लच की मिस्टेक को सॉल्यूशन में कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप सबसे पहले तो क्लच को पूरा प्रेस करें, फर्स्ट गियर लगाएं। ये प्रैक्टिस बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपने प्रैक्टिस करना है। अगर आपसे ये बार बार मिस्टेक होती है क्लच से रिलेटेड, आप क्लच रिलीज करते हैं और कार बंद हो जाती है, तो पहली मिस्टेक क्लच से रिलेटेड जो है, ये क्लच को सॉल्यूशन क्या है उसका, क्लच को जब आप प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाएंगे, क्लच आप जैसे ही रिलीज करने लगेंगे, देखिए आपने बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज करना है। क्लच का एक बाइटिंग पॉइंट होता है जिसमें आपके व्हील्स को पावर प्रोवाइड होने लगता है आप क्लच जैसे रिलीज करते हैं। तो मैं उस पॉइंट तक पहले सबसे पहले क्लच को लेके आऊंगा। ये देखिए मैं क्लच को बाइटिंग पॉइंट तक लेके आया हूँ, मेरी कार मूवमेंट होने लगी है, मैं क्लच प्रेस करके रखा हूँ, जैसे ही मूवमेंट हो पूरी तरह से हो गई क्लच को रिलीज कर दिया। ये चीज आपने, ये देखिए बार बार ऐसे प्रैक्टिस करिए, ब्रेक लगाइए, क्लच प्रेस करिए, फिर से वैसे मूवमेंट करिए, आपकी कार का आरपीएम जैसे ही डाउन जाएगा, 900 से 800 700 तक आ सकता है, जैसे ही डाउन आएगा आपकी कार में मूवमेंट आने लगेगी। जैसे ही मूवमेंट आई आप समझ लीजिए आपका क्लच का बाइटिंग पॉइंट ट्रिक हो चुका है या हिट हो चुका है, उसके बाद आप कार अपनी मूव कर सकेंगे। ये प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आपको कभी भी, आपने अभी नोटिस किया दो बार मैं करके दिखाया, आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप क्लच रिलीज कर रहे हैं किसी भी गियर में रिलीज कर रहे हैं और कार बंद हो जा रही है। कभी कभार हो सकता है, महीने में एक दो बार हो सकता है कभी ऐसा हो गया, वो डिफरेंट चीज है, लेकिन जिनकी हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, कॉमन प्रॉब्लम है क्लच रिलेटेड, तो अगर ये प्रॉब्लम होती है तो फ्रेंड्स यही सॉल्यूशन है। आप इसको प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम आप 1 घंटा भी अगर प्रैक्टिस करेंगे, कभी भी 1 घंटा सिर्फ इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कभी ये क्लच रिलेटेड ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स ये पहली मिस्टेक थी। सेकेंड मिस्टेक की तरफ चलते हैं जो ब्रेक से रिलेटेड है। जैसा मैंने आपको कहा पांच मिस्टेक्स है इस वीडियो में, जो सारा एक एक पॉइंट है जो कंप्लीटली कंट्रोल से रिलेटेड है। क्लच से रिलेटेड बता दिया मैंने आपको पहली मिस्टेक, सेकंड मिस्टेक मैं ब्रेक से रिलेटेड बताता हूँ। न्यू ड्राइवर से क्या होती है ये मिस्टेक ब्रेक से रिलेटेड, जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं, जैसे अभी देखिए कार को आगे बढ़ा लिए हैं, आगे कार बढ़ गई है, सेकेंड गियर लगा लिया है, अब जब सपोज कहीं रोकनी है कार को, सपोज मैं आगे कार को लेके जा रहा हूँ, कहीं मेरे को कार रोकनी है, सपोज यहाँ लेफ्ट में कहीं रोकनी है, तो क्या करते हैं न्यू ड्राइवर्स, ब्रेक अप्लाई करते हैं और कार को एक फट से रोक देते हैं। ये चीज ना करें, आपको क्या करना है उसका सोल्यूशन बताता हूँ और रीजन बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप ब्रेक जैसे ही अप्लाई करते हैं, हो सकता है आपके पास डिस्टेंस आगे और ज्यादा हो, फिर आपने कार पहले रोक ली है, फिर आपको क्या करना होगा, कार आगे बढ़ाना होगा, तब तक ऐसा होता है कि ट्रैफिक बीच में आ चुका होता है या कुछ ऐसा होता है कि आप बहुत पीछे रोक लिए हैं, बाकी कार की या कोई व्हीकल की पीछे से हॉर्न लगाने लग जाते हैं क्योंकि आपके पास आगे स्पेस होता है। तो आपने ब्रेकिंग करनी कैसे है, ब्रेकिंग की ये मिस्टेक को सॉल्यूशन कैसे करना है, ये देखिए सबसे पहले आपने कार बढ़ाई,
सेकेंड गियर में लिया, अब आपको रोकना है तो क्या करेंगे आप, ब्रेक पहले अप्लाई किए, स्लो किए, जहां रोकनी है वहां तक कार को स्लोली मूव लेके गए, ब्रेक अप्लाई की धीरे धीरे, ये देखिए कार को स्लो करते गए, क्लच प्रेस कर लिया और न्यूट्रल कर लिया, नहीं तो फर्स्ट गियर कर लिया, फिर ब्रेक जहां रोकनी है वहां ब्रेक अप्लाई कर ली। तो ये हो गया कि आपने 2 या 3 बार ब्रेक अप्लाई करनी है, पहले ब्रेक अप्लाई करनी है कार को स्लो डाउन करने के लिए, फिर उस लेन में आ जाइए जहां आपने स्टॉप करना है और तब अप्लाई करिए ताकि और स्लो हो सके। इससे क्या होगा, आपकी कार में भी आपके कंट्रोल फील होंगे, आप कंट्रोल कर सकेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और आपके आसपास जो व्हीकल चल रही होगी उन्हें भी पता रहेगा कि आप स्लो डाउन कर रहे हैं, तो वो भी कंट्रोल में आने लगेंगे, अपनी कार को स्लो करेंगे पहले ही। अगर आप सडन ब्रेकिंग करते हैं तो हो सकता है पीछे जो व्हीकल आ रही है या आप साइड से कोई व्हीकल आ रही है तो आपको देख के वो सडन आप ब्रेकिंग कर देंगे, तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या, अचानक से वो ब्रेक नहीं कर पाए तो आपको ही हिट करेंगे वो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ब्रेकिंग को बड़े आराम से करना है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, ब्रेकिंग को एक बार अप्लाई करें ताकि आपकी कार स्लो हो, फिर ब्रेक रिलीज कर दें, कार को थोड़ी दूर जाने दें, फिर ब्रेक अप्लाई करें। ये इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि आप कब ब्रेकिंग कर रहे हैं, तो स्लोली मूव करके फिर ब्रेक करें, तो स्लो कर लें पहले ट्रैफिक में कार को अपनी, या जहां रोकना है उससे बहुत पहले कार को स्लो करते करते जहां तक रोकना है फिर वहां जाके रोकें। ये मैं न्यू ड्राइवर्स के लिए कह रहा हूँ, एक्सपर्ट के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि उनको पता होता है कि कब रोकनी है, कैसे रोकनी है, रियर व्यू मिरर देख के रोकनी है। न्यू ड्राइवर्स के लिए कह रहा हूँ, जो रियर व्यू मिरर अगर देख के रोकते हैं, नहीं भी देख के रोकते हैं, तो ये चीज को आप सॉल्यूशन में ला सकते हैं। ये हो गई सेकंड मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक्स आती है फ्रेंड, जो थर्ड मिस्टेक मैक्सिमम कॉमन जो मिस्टेक है वो मैं एक्सीलेटर से रिलेटेड कहने वाला हूँ, जो कि रेस कहते हैं लोग, एक्सीलेटर कहते हैं, तो उससे रिलेटेड होने वाली है ये। उसमें क्या होता है कि न्यू ड्राइवर्स मैक्सिमम क्या करती हैं, देखिए फर्स्ट गियर लगाए और एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट कर दिए, तो ये चीज़ ना करें। अगर आप फर्स्ट गियर लगाए हैं तो सबसे पहले ये एक चीज़ करें कि क्लच को धीरे से रिलीज करें, जैसे ही मूवमेंट आ जाए आपकी कार में फिर आप अपने एक्सीलेटर को प्रेस करना स्टार्ट करें। तो ये चीज आपने करनी है। करना क्या है, आपने क्लच को रिलीज किया, एक्सीलेटर जब आपने क्लच रिलीज कर दिया फिर एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट करें, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, या आप जैसे फिर से स्टॉप करता हूं मैं, ये मैंने स्टॉप किया, अभी क्लच को धीरे से रिलीज करूंगा, जैसे मैंने रिलीज किया और मूवमेंट आ गई, अब एक्सीलेटर प्रेस करने लग जाए। तो ये सॉल्यूशन है। न्यू ड्राइवर्स क्या करते हैं कि क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाते हैं, एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, ये देखिए। इससे क्या होगा कि आपकी कार हो सकता है एकदम से झटके देके आगे बढ़े और आप कंट्रोल नहीं कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज ये होगा कि आपकी कार मतलब माइलेज बहुत कम दे दे, क्यों, आप एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हैं लेकिन मूवमेंट नहीं आ रही है, मतलब आप फ्यूल बर्न कर रहे हैं, आपकी कार की माइलेज या आपकी कार मूवमेंट नहीं आ रही है, तो इससे ये हो रहा है कि आप फ्यूल तो बर्न कर ले रहे हैं। तो ये मिस्टेक क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसे न्यू ड्राइवर्स करते हैं एक्सीलेटर को ज्यादा प्रेस कर देते हैं, इससे माइलेज ड्रॉप होती है, जैसे मैंने आपको कहा माइलेज आपको कम मिलने लगेगी। क्लच आप क्योंकि हाफ प्रेस या कंप्लीट प्रेस करके रखे हैं तो उससे क्या हो रहा है, आपकी कार में मूवमेंट नहीं आ रहा लेकिन आप एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हैं, उससे आपका माइलेज तो कम होगी होगी, साथ में क्लच प्लेट पे भी प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप रिलीज करेंगे आरपीएम ज्यादा होने की वजह से क्लच उस चीज को आपके इंजन में अफेक्टिव करेगा और आपकी कार का जो क्लच प्लेट है वो बर्न होने के चांसेस होते हैं, हिट होते हैं एक दूसरे से, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो वो चीज आपने ध्यान रखना है कि एक्सीलेटर को एकदम से प्रेस ना करें, पहले क्लच को धीरे धीरे रिलीज करें, जैसे ही बाइटिंग पॉइंट आए फिर एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट करें, तो इससे आपकी कार के माइलेज भी ठीक रहेंगे और क्लच भी ठीक रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थी तीसरी मिस्टेक, अब चलते हैं चौथी मिस्टेक की तरफ। चौथी मिस्टेक है स्टीयरिंग से रिलेटेड, न्यू ड्राइवर्स या फिर आप कह सकते हैं कॉमन मिस्टेक जो हर ड्राइवर्स करते हैं जो न्यू लर्नर होते हैं, वो ये मिस्टेक है फ्रेंड्स, जैसे कि स्टीयरिंग का कंट्रोल। तो पहले तो सबसे पहले आप देखिए, जब आप मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं आपको क्लच स्टीयरिंग को होल्ड कैसे करना चाहिए, ये मिस्टेक न्यू ड्राइवर से होती है कि क्लच को स्टीयरिंग को कंट्रोल या होल्ड करना ही गलत करते हैं, वो यहाँ से होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं या ऐसे होल्ड करते हैं, तो इससे क्या होता है आप कहीं भी मूवमेंट थोड़ा सा करना की कोशिश करेंगे तो आपके आर्म्स जो है आपके आर्म्स आपकी बॉडी से हिट होंगे, तो इसकी वजह से आप क्या है मूवमेंट आपको सही तरीके से नहीं हो पाएगा और कंट्रोल्स छूटने लगेंगे आपके स्टीयरिंग से। तो आपने करना क्या है कि आपने एक तो ये अगर आप इसको वॉच का या क्लॉक का डायल समझें तो ये 10 o'clock और 2 o'clock ये बेस्ट पोजीशन है होल्डिंग की, या फिर अगर आपकी स्टीयरिंग में यहाँ कुछ नहीं है तो ये 9 o'clock और 3 o'clock, इस तरह से अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी ग्रिपिंग मिलेगी और आपने टर्न हल्की सी भी करनी होगी, ये देखिए आपने कितनी अच्छे से टर्न कर ली है, इससे ज़्यादा आपको टर्न करनी होनी नहीं होती है स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में इनफैक्ट। तो आपने कंट्रोल इसी तरह से करना होता है अपने स्टीयरिंग का कि आप इस तरह से होल्ड करें
ताकि मूवमेंट आप अपने आराम से कर सकें, इतनी इतनी मूवमेंट कर सकें। दूसरी चीज़ ये है स्टेयरिंग से रिलेटेड फ्रेंड्स, कि आप होल्ड जब करते हैं स्टेयरिंग को ऐसे होल्ड करें, और दूसरी चीज़ आप जब टर्न करते हैं, टर्न करते समय ये ध्यान रखें कि आपने स्टेयरिंग को इस तरह से होल्ड करके ऐसे टर्न करना है। ये स्टार्टिंग की पोजिशन होती है, ये देखिए जब आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, जब सीख चुके होते हैं उसके बाद की बात मैं बताता हूँ, पहले आप ये देख लीजिए। जब आप सीख रहे होते हैं आप स्टेयरिंग को इस तरह से थोड़ा सा छोड़ें, दूसरे से पकड़ें, फिर छोड़ें, फिर पकड़ें, तो ये करने से आपकी कार का क्या, आपको स्टेयरिंग का कंट्रोल प्रॉपर पता चलता रहेगा कि आप कितना मूव कर रहे हैं। और जैसे ही कुछ दिन हो जाएगा उसके बाद ये वाला ट्रिक जो है ये छोड़ दें, क्योंकि आप तब तक समझ चुके हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जैसे ये देखिए अभी मैं मूव कर रहा हूँ, आपने उसके बाद क्या करना है, इस तरह से ही टर्न करना है, ये देखिए इतना ही टर्न करना स्टार्ट करें। ये सेकेंड स्टेज है स्टेयरिंग से। थर्ड स्टेज ये है कि आप ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दें, फिर ये देखिए ये इधर से ऐसे, फिर जब राइट टर्न लेना है तो ऐसे ये छूटने लगे, ये देखिए ये छोड़ के फिर पकड़ना स्टार्ट कर दें। पहले क्या था कि आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे टर्न करें, इस तरह से थोड़ा पकड़ें थोड़ा छोड़ें, बेबी स्टेप जैसे होता है। उसके बाद वाला स्टेप क्या था कि आप इस तरह से टर्न करें थोड़ा थोड़ा, फिर जब आप पूरी टर्न राइट टर्न या लेफ्ट टर्न लेने लगे उसमें आपने क्या करना है, ये इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से आपका हैंड थोड़ा सा क्रॉस जाएगा, फिर छोड़ देंगे, फिर वापस आएगा। तो इसको आपने प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपके स्टेयरिंग का कंट्रोल कंप्लीटली और बहुत अच्छे तरीके से आप कंट्रोल कर सकेंगे स्टेयरिंग से। तो ये थी फोर्थ मिस्टेक फ्रेंड्स, जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं, स्टेयरिंग का होल्डिंग पोजीशन ठीक नहीं रखते हैं, स्टेयरिंग टर्न करते वक्त घबराते हैं और एक ही पोजीशन पे इसी तरह से हमेशा टर्न करते रहते हैं ऐसे। तो ये चीज स्टेज वन तक ठीक है, स्टेज टू स्टेज थ्री जो मैंने समझाया उस पोजिशन से टर्न करें, बेस्ट होगा आपके लिए। और अब आते हैं फ्रेंड्स गियर से रिलेटेड, जो फिफ्थ मिस्टेक न्यू ड्राइवर से होती है वो होती है गियर से रिलेटेड। वो गियर करते समय, गियर शिफ्ट करते समय क्या करते हैं, फर्स्ट गियर लगाए वो स्पीड को चेक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। फर्स्ट गियर लगाए जैसे ही मूवमेंट आई, बिना स्पीड को देखे सेकंड गियर लगा लिया, ये देखिए ये आपकी कार झटके लगने लगेगी। थोड़ा सा मूवमेंट हुआ उनको लगता है आप सेकंड गियर में ही कार को चलाते रहे, ये चीज ना करें। बहुत सारे न्यू ड्राइवर्स ये भी करते हैं कि फर्स्ट गियर लगाया है, कोशिश करते हैं कि फर्स्ट गियर में ही कार चलते रहे, गियर चेंज करना भूल जाते हैं, या फिर कह सकते हैं उन्हें घबराहट होती है, ट्रिकी लगता है, इसलिए चेंज नहीं करते हैं, कहते हैं एक ही गियर में चलती रहे। ये गियर मिस्टेक है फ्रेंड्स, जो कॉमन है, बहुत ही कॉमन है न्यू ड्राइवर्स के लिए, और ये मिस्टेक ना करें। इसके लिए आपने क्या करना है, सेकंड गियर लगाया आपने, स्पीड अपनी चेक करें, 20 प्लस की स्पीड आए तो आप ये थर्ड गियर लगाएं, 20 प्लस 30 के अप्रोक्स स्पीड आए थर्ड गियर लगाएं, स्पीड के अकॉर्डिंग गियर को शिफ्ट करना और डाउन शिफ्ट करना भी। अभी 20 से बिलो आई मेरी स्पीड, मैंने डाउन शिफ्ट किया, सेकंड गियर लगा लिया, तो ये करना बहुत जरूरी है। ये मिस्टेक है फ्रेंड्स जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं कि वो गियर शिफ्टिंग ही नहीं करते हैं, सेकंड गियर में कार चल रही है 30 40 की स्पीड में भी सेकंड गियर ले लेते हैं, आरपीएम 3000 के आसपास चल जाता है। इससे क्या होगा, आपके गियर पे प्रेशर पड़ेगा पहली चीज, दूसरा आरपीएम बहुत ज्यादा हाई रखेंगे आप, 3000 प्लस के आरपीएम रखेंगे सेकंड गियर पे, तो और गियर अपशिफ्ट करने का जगह है आप कर नहीं रहे हैं, तो वो आपके क्लच पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपकी माइलेज, कार की माइलेज खराब होती है। तो बेसिकली यही है कि आप गियर शिफ्टिंग नहीं करते हैं तो आपकी कार में वेयर एंड टीयर होना स्टार्ट हो जाता है। आप एक ऑप्टिमम, अगर आपने स्पीड लेनी है सेकंड गियर में लीजिए, 3000 आरपीएम लेके जाइए, जब आपकी इस कार की स्पीड 40-50 तक आ जाए सेकंड गियर में, फिर आप थर्ड गियर अप्लाई करके और स्पीड इंक्रीज कर लीजिए, वो अलग चीज हो गई, वो ड्रैग रेस या रेसिंग हो गई है, ये आप कह सकते हैं फास्ट मूविंग हो गई है। लेकिन आप जब गियर शिफ्ट नहीं करते हैं वो चीज ना करें, गियर शिफ्टिंग करना स्टार्ट करें। अगर ये गलती हो रही है तो रेक्टिफाई करें, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करें, फोकस करें, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 5 मिस्टेक्स थी जो कि मैंने आपको एक एक पॉइंट वाइज, एक एक ईच जो कॉमन मिस्टेक है जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं, स्टेयरिंग से रिलेटेड, गियर से रिलेटेड, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर से रिलेटेड, टोटल 5 चीजें हैं। पांचों चीजों की कॉमन एक एक जो कॉमन मिस्टेक है वो मैंने इस वीडियो में कवर की है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।